सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया और बहुत सारे अमर शहीद आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी से भी पहले बहुत सारे हमारी भारत भूमि में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी शहीद हुए जिन्होंने दूसरों के लिए, दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीदों, ये शहीद सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, भारत भूमि की सुरक्षा के लिए अपना जीवन हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं। एक जब अपने को सुई चुभती है, कांटा लगता है तो कितना दर्द होता है, और जीवन न्यौछावर करना, तो ये शहीद हैं वो हमेशा के लिए, इसीलिए अमर कहे जाते हैं कि दूसरों के लिए जीवन पर देने वाले धरती पर अमर हो जाते हैं, उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हमारा भी ये डूंगरगढ़ तहसील का भी सौभाग्य है, निर्देशक चोटियान का भी ये सौभाग्य है कि उस जगह में माताओं ने, पिताओं ने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने सरसव अपना जो जीवन है वो दूसरों की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। इस प्रकार के शहीदों को, क्योंकि शहीदों से हमारे जीवन में बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं, दूसरों के बारे में सोचने की, दूसरों की सुरक्षा करने की, भारत माता की रक्षा करने की, इसीलिए हम समय समय पर इनको स्मरण करते रहते हैं ताकि हमारे जो विचार हैं वो भी इनके विचारों को तो हम कम से कम ग्रहण करते रहें ताकि भारत माता की रक्षा का प्रसन्न हो, मानवता की रक्षा का प्रसन्न हो, समाज की रक्षा का प्रसन्न हो, वो विचार प्रत्येक मनुष्य में अनवर आने वाली पीढ़ियों में भी चलते रहने चाहिए। इस प्रकार ये राकेश सोनिया 2018 को आज ही के दिन अपने ड्यूटी पर शहीद हुए, ये हमारे के लिए धन्य है वो माता पिता की तरफ से।